क्या स्क्रीन दिख रहा सबको? हाँ ठीक है। वीडियो अपना कोई ऑन मत करो, ठीक है? वीडियो ऑन करोगे तो फिर से डाउन हो जाएगा। देखिए रेडियस रेशियो रूल वापस एक्सप्लेन कर दे रहे हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। देखिए जो भी सॉलिड्स हैं, ठीक है, सॉलिड्स का फॉर्मेशन कैसा होता है, तो एक एटम या मॉलिक्यूल या फिर आयन जो है वो दूसरे से जुड़ा होता है, ठीक है। अब चाहे वो कैटायन हो या एनायन हो, सब एक दूसरे से जुड़े होंगे तभी जाके हमारा कुछ भी चीज़ फॉर्म होता है। सॉलिड कह लीजिए, लिक्विड कह लीजिए, या तो गैसेस कह लीजिए, ठीक। अब इनमें सॉलिड्स के केस में इनमें वॉइड्स जनरेट होगा, तो अगर मेरा कैटायन बड़ा है तो कैट आयन जो है वो उसके वजह से वॉइड बनेगा, और अगर एन आयन मेरा बड़ा है तो उसके वजह से वॉइड बनेगा, ठीक। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये मेरे पास एन आयन है, ठीक है, तो एन आयन अगर बड़ा है, जैसे कि क्लोरीन की अगर बात की जाए, ठीक है, तो ये बड़ा है। अब इसी जगह पे मुझे क्या करना होगा कि इस जगह पे मेरा जो कैटायन है, सोडियम आयन है, वो बैठेगा, ठीक। तो इनका दोनों का कुछ ना कुछ तो रेडियस होगा ही होगा। मान लीजिए हमने ये सोडियम लिया है और ये हमने क्लोरीन लिया है, तो दोनों का जो रेडियस होता है, ठीक है, इन दोनों के रेडियस को हम कहेंगे रेडियस रेशियो रूल। तो ये होगा आर प्लस और ये हो जाएगा आर माइनस, ठीक है। अब ये R प्लस R माइनस क्या बतलाता है? तो ये बतलाएगा कि आपका आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होगा या नहीं। अगर फॉर्म हुआ है तो ये स्टेबल है या नहीं, ठीक है। तो जितना मेरे पास इस जगह पे जो भी मेरा वॉइड है, जितना वॉइड का साइज है आपका कैटायन, उसी साइज का होना चाहिए, या तो उसी साइज का या फिर उससे छोटा साइज का होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक लाइन लिख दे रहा हूं कि रेडियस ऑफ कैटायन मस्ट बी इक्वल इक्वल टू द रेडियस ऑफ वॉइड, मस्ट बी इक्वल और लेस देन कर दे रहा हूँ, इक्वल और लेस देन द रेडियस ऑफ वॉइड, ठीक है। अगर कैटायन का रेडियस बड़ा होगा तो वो वॉइड में जाके नहीं बैठेगा, ना खाली जगह पे बैठेगा, तो इसके वजह से मेरा जो सॉलिड है वो फॉर्म नहीं करेगा। अगर फॉर्म कर भी गया किसी तरीके से तो होगा क्या कि उसकी जो एनर्जी लेवल होगी, जो पोटेंशियल एनर्जी होगा उसका, वो काफ़ी ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से वो अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रेडियस रेशियो रूल क्या कहता है, द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ कैटायन टू द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ एनायन इज कॉल्ड रेडियस रेशियो रूल। मैं डेफिनेशन लिख दे रहा हूं, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन टू द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ एनायन इज कॉल्ड रेडियस रेशियो रूल, ठीक है, इज कॉल्ड रेडियस रेशियो रूल। ठीक है, अब देखिए कुछ पॉइंट्स हैं इसके, उन पॉइंट्स को हम डील करते हैं। सेकेंड पॉइंट, इट इज अ लिमिटिंग वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ रेडियस
ऑफ कैटायन टू डैट ऑफ द एनायन। अभी लिमिटिंग वैल्यू क्या कहा गया है, तो इस जगह पे लिमिटिंग वैल्यू का मतलब है कि आपका जो कैटायन का रेडियस है वो एक फिक्स अमाउंट में होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए जो एन आयन के वॉइड में बैठ सके। ठीक है, मतलब जो खाली जगह है हमारे पास, जैसे टेट्राहेड्रल वॉइड हो गया, ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गया, तो इन सब जगह पे बैठ सके। रिप्रेजेंटेशन क्या है इसका, आर प्लस अपॉन आर माइनस। ठीक है, मैंने कल भी फॉर्मूला दिया था, आज भी लिख दे रहा हूँ। इसको लिखने का तरीका है, या तो इसको ऐसे लिखते हैं, आर आर इज इक्वल टू आर प्लस अपॉन आर माइनस इज इक्वल्स टू आर ऑफ आर ऑफ कैटायन डिवाइडेड बाय आर ऑफ एनायन इज इक्वल्स टू आर वॉइड। ठीक है, जो खाली जगह है वहीं पे हमारा कैटायन बैठेगा, इसीलिए हम लोग जो रेडियस लेते हैं वो इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो है ये हमारा न्यूमेरिकल बनाने के वक्त काम आएगा ये फॉर्मूला। ठीक है, तो कई बार कैटायन की जगह वॉइड लिखा हुआ रहता है, एनायन की जगह एटम लिखा हुआ रहता है, तो इसको हम यूज कर सकते हैं न्यूमेरिकल। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इफ द वैल्यू ऑफ रेशियो आर प्लस अपॉन आर माइनस इज लेस देन एक्सपेक्टेड वैल्यू देन द आयनिक स्ट्रक्चर बिकम्स अनस्टेबल। ठीक है, कहने का क्या मतलब है कि अगर इसका रेशियो, इन दोनों का रेशियो जो है वो हमारे एक्सपेक्टेड से कम है, ठीक, तो ये मॉलिक्यूल या यू कहे तो आयनिक स्ट्रक्चर जो है वो अनस्टेबल हो जाते हैं। अब हम हर जगह तो चेक नहीं कर सकते हर किसी का रेडियस निकाल के, ऐसा तो नहीं है कि एटम को पकड़ लिए, घर पे नमक उठाए, उससे सोडियम हमने अलग किया, सोडियम अलग किया, उनका रेडियस निकाला पकड़ पकड़ के और रेडियस रेशियो निकाल लिया। ठीक, ये संभव नहीं है हमारे पास। तो केमिस्ट लोगों ने क्या किया है, एक रेंज दिया है, ठीक है, आर प्लस और आर माइनस का एक रेंज दिया है, जिससे ये पता चल सके कि ये कौन से स्ट्रक्चर में बैठते हैं। तो R प्लस R माइनस का वैल्यू है, ठीक है, उसके साथ R प्लस R माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जाम में डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव्स आते हैं कि R प्लस R माइनस का अगर वैल्यू दिया है तो टेट्राहेड्रल वॉइड होगा या ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा इस तरीके का, या फिर उनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो ये सारी चीज़ें। जैसे यहाँ पे देखिए, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ आर प्लस अपॉन आर माइनस, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन और टाइप ऑफ होल। सबसे पहला, अगर आर प्लस अपॉन आर माइनस का वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे आर प्लस और आर माइनस का जो वैल्यू है अगर वो इसके रेंज में रहता है, ठीक है, इन दोनों के रेंज में रहता है, तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो हो जाएगा 3। ठीक है, और जो टाइप ऑफ होल होंगे वो होंगे प्लेनर ट्राइंगुलर। हाँ कुणाल, सर एक और होता है ना सर, लीनियर। अरे अभी खत्म कहाँ हुआ, एक और लीनियर भी होता है ना सर, लीनियर होल, लीनियर या कुछ और, जैसे जिसमें दो ही एनायन जिसमें जुड़ता है सर एक कैटायन से, जैसे ट्राइंगुलर में जैसे तीन जुड़ता है ना सर, हाँ, वॉइड बनाता है, और लीनियर में दो ही जुड़ता है, एनायन और एक कैटायन रहता है ना सर, तो दो एनायन अगर जुड़ेंगे तो वहां पे वॉइड कहाँ क्रिएट होगा। अगर मान लीजिए एक एनायन ऐसा है और दूसरा एनायन ऐसा जुड़ रहा है, तो वॉइड कहाँ क्रिएट हुआ पहले ये बताइए। ये एक एनायन सर, तो टेवन, हाँ क्या बोल रहे हो,
क्या बोलो? सर तो एक टेबल में दिया था सर, लीनियर का भी एक लिमिटेशन होता है सर, 0 से 0.155 तक। वो लिमिटेशन है लेकिन वो यूज नहीं करते हैं, वो ज्यादातर पूछता नहीं है, ठीक है। लेकिन आप एक चीज देखिए, अगर मॉलिक्यूल्स अगर सेट हो रहे हैं, ठीक है, मान लो मैं इसको बनाता हूँ, तो ये मेरा सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस में होगा ना, क्योंकि यस सर, दो ही जुड़ एकदम रहे हैं। तो इस जगह पे, यस अगर सर, इस जगह पे मैं कैटायन को बिठा दूं, ठीक है, मान लो ये मेरा कैटायन है, ये मेरा एनायन है, ठीक। तो दो एनायन के वजह से वॉइड क्रिएट हो सकता है क्या? नो ठीक है, बिल्कुल क्रिएट नहीं होगा। तो अगर वहां पे वॉइड क्रिएट नहीं होगा तो जाहिर सी बात है उसका जो वैल्यू है वो जीरो के आसपास होना चाहिए, ठीक है, सर। इसीलिए इसको लीनियर कहा गया था। वो सब क्वेश्चंस पूछते नहीं होगा। तो अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, अनम्यूट कर लो अपने आप को, पीछे से आवाज आता है। देखो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, जब क्वेश्चन पूछा जाता है, न्यूमेरिकल पूछा जाता है, तो रेडियस रेशियो निकाल के हमको बताना होता है कि वो कौन से टाइप ऑफ वॉइड में आएगा। ठीक, अब जैसे आर प्लस और आर माइनस, ठीक है, आर प्लस और आर माइनस इन दोनों के बीच में होगा तो क्लियरली हम कह सकेंगे कि वो प्लेनर ट्राइंगुलर वॉइड बनाएगा, और उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो हो जाएगा 3। उसके बाद 0.225 से 0.414 तक हम जाएंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4, और टाइप ऑफ होल या वॉइड जो है वो होता है टेट्रा हेड्रल। ठीक है, मैं यहाँ पे टाइप ऑफ होल की जगह वॉइड भी लिख देता हूँ, ठीक है, तो मैं ध्यान रहेगा। देन उसके बाद 0.414 से 0.732 तक लग जाएगा, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6, और टेट्राहेड्रल सॉरी ऑक्टाहेड्रल वॉइड ये बनाएगा। फिर 0.732 से अगर ऊपर हो गया तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे 8, और जो होल या वॉइड होंगे वो होंगे क्यूबिक टाइप। तो आपको एग्जाम में यही सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके साथ मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा अभी, ठीक है, ये इस पीपीटी का ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद न्यूमेरिकल्स कराएंगे तो हम लोग को कुछ कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी आपको ध्यान क्या रखना है, इसमें याद क्या करना है, तो याद करने वाली ये तीनों कॉलम्स हैं, ठीक, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आर प्लस अपॉन आर माइनस किस जोन में पहुंच रहा है या किस जोन में आ रहा है। 0.155 पॉइंट 0.225 के बीच में आएगा तो हम बता सकेंगे कि टाइप ऑफ वर्ड क्या है या कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको फटाफट अपने कॉपी में लिख लीजिए ताकि मैं इसके बाद क्वेश्चंस करा सकूं, ठीक है। इस टेबल को फटाफट उतारिए ताकि मैं फिर क्वेश्चन कराऊंगा। और टेबल लिख के हो जाए तो फिर मुझे बताइए।
ठीक है, ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को भी लिखिए, ये एग्जाम्पल भी इम्पोर्टेंट है। सबका हो गया? ठीक है, एग्जाम्पल लिख के सबका हो गया क्या? ठीक है, चलो इसके आगे कुछ क्वेश्चन है वो देखते हैं। जवाब दीजिए इसका। अश्विनी टेट्रागोनल कहाँ लिखा हुआ है? हाँ अश्विनी, ठीक है, ऑप्शन नंबर टू। देन क्वेश्चन नंबर टू देखिए, ऑप्शन नंबर फोर, सॉरी ऑप्शन नंबर ए आंसर इज फोर। क्वेश्चन नंबर थ्री, फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर एट द टाइप ऑफ होल इज, आंसर बताइए। जो आपने स्क्रीन पर लिखा लिखना बंद करो। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन सब लिख, मैं क्वेश्चन टाइप करूंगा, आप फिर यहां से लिखोगे। The ionic radii of Mg2 plus and O2 minus. क्वेश्चन शेयर कर देंगे तो अभी बनाओगे क्या?
इसको टाइप ऑफ अच्छा अभी वाला ठीक है। चलो ये क्वेश्चन बनाइए, वो क्वेश्चन मैं शेयर कर दूंगा। भाई क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके बोर्ड में, दिख रहा है, इसको बनाइए। कुणाल ठीक है, कोऑर्डिनेशन हो बताओ। अरे कुणाल पहले आंसर ठीक देते हो फिर बाद में कुछ और देते हो। चलिए बताइए रेडियस रेशियो कितना आ रहा सबका। रेडियस रेशियो कितना आ रहा है? ठीक है, तो जो वॉइड होगा वो हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड और कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। ठीक है, जिन जिन लोगों ने 4 लिखा है, 4 नहीं होगा, 6 होगा। क्वेश्चन लिखिए। चलो मैं क्वेश्चन डिक्टेट करता हूँ, समय बचेगा। सॉलिड ए प्लस बी माइनस, ए सॉलिड ए प्लस बी माइनस, सॉलिड ए प्लस बी माइनस, ए कैपिटल होगा और बी भी कैपिटल होगा इस तरीके से। सॉलिड ए प्लस बी माइनस हैज NaCl टाइप, हैज NaCl टाइप, has NaCl type structure if the anion, if the anion if the anion has a radius of has a radius of 241.5 pm, what should be the सॉलिड ए प्लस बी माइनस हैज NaCl टाइप स्ट्रक्चर इफ द एनायन हैज अ रेडियस ऑफ 241.5 pm, व्हाट शुड बी द मिनिमम रेडियस ऑफ कैटायन, मिनिमम रेडियस ऑफ कैटायन। चलिए इतना बनाइए, उसके बाद फिर हम आगे का क्वेश्चन लिख रहे हैं। Can a cation C plus having cation C plus
एवरिंग ठीक है शुनी उसका भी ठीक है उसके आगे क्वेश्चन लिखते हैं कैन ए कटायन सी प्लस हैविंग रेडियस 50 PM बी फिटेड इनटू द टेट्राहेड्रल hole of the crystal A plus B minus. चलिए इसके आगे बनाइए किन किन लोगों ने भेजा है आंसर प्रियांशु आंसर गलत है मुनमुन आपका भी आंसर गलत है आंसर पे कैलकुलेशन चेक कीजिए बाकी लोग जवाब दीजिए सेकंड आंसर सही है मनु साक्षी आंसर गलत है चेक करो वापस से और इतना फर्क कैसे आ रहा आंसर का देखो जिनको क्वेश्चन समझ में नहीं आया है बता दे रहा हूं ठीक है हो सकता है कुछ कुछ को ना समझ में आया हो तो ये क्वेश्चन क्या कहता है कि एक सॉलिड है जिसमें ए प्लस कैटायन है और बी माइनस आपका एन आयन है जिसका स्ट्रक्चर NaCl के जैसा है ठीक अब देखिए ठीक है मुनून ऋषिकेश आंसर चेक करो वापस से ठीक है अब NaCl टाइप स्ट्रक्चर आपको देखना है कि NaCl का एग्जांपल मैंने किस में लिखा है टेट्राहेड्रल में ऑक्टाहेड्रल में क्यूबिक में या किस में ठीक अब उस केस में आपको यहाँ पे एनायन का रेडियस दिया है तो जिस NaCl जिस भी होल में आता है उस होल का रेंज आपको लेना है ठीक है मतलब आर ए प्लस अपॉन आर बी माइनस इज इक्वल्स टू जिसका भी रेंज का होल यहाँ पे आएगा उसका वैल्यू आपको इस जगह लिखना है अब इसमें से बी माइनस आपको दिया हुआ है 241.5 तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे आर ए प्लस तो हमारा फर्स्ट आंसर यहाँ पे चला आएगा ये लगभग आपको आना चाहिए 99.98 PM के आसपास ठीक है मतलब 100 PM के 100 PM आपका आंसर होना चाहिए ठीक है अप्रॉक्स करके उसके बाद क्या निकालना है अब देखिए सेकंड हिस्सा है इस क्वेश्चन का क्या कहता है कैन ए कैटायन सी प्लस हैविंग ए रेडियस 50 PM बी फिटेड इनटू द टेट्राहेड्रल होल ऑफ द क्रिस्टल ए प्लस बी माइनस अब कहता क्या है कि क्या कोई तीसरा कैटायन हम सॉरी दूसरा कैटायन ले जिसका नाम दिया गया है सी प्लस जिसका रेडियस है 50 PM तो क्या उसको टेट्राहेड्रल होल में भरा जा सकता है क्या ठीक है तो आपको क्या करना है R प्लस यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन के लिए जो R प्लस है वो हो जाएगा आपका 50 ठीक और 50 लेके आपको रेडियस रेशियो निकालना है मतलब R प्लस अपॉन R माइनस निकालना है तो R प्लस कितना है आपके पास यहाँ 50 है और R माइनस आपको दिया हुआ है 241.5 ठीक है और तब जाके ये रेशियो निकालना है तो ये रेशियो जितना आएगा
उतना आपको देखना है कि किस रेंज में वो बैठ रहा है। अगर किसी रेंज में बैठता है तो अच्छी बात है, अगर रेंज में नहीं बैठता है तो सॉलिड फॉर्मेशन नहीं होगा। तो चूंकि आपको क्वेश्चन में यहाँ पे रेंज दिया हुआ है, देखिए रेंज यहाँ पे टेट्राहेड्रल रेंज दे रखा है ऑलरेडी, तो टेट्राहेड्रल रेंज के में आपको देखना होगा कि उसमें बैठ रहा है या नहीं। हाँ ठीक है अश्विनी, आंसर ठीक है, बता दे रहे हैं। देखिए वापस से सुनिए। ठीक है, ये उसका भी ठीक है, अश्विनी आपका भी ठीक है। देखो अभी कोई टेक्स्ट नहीं करना बीच में, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्वेश्चंस को। सेकंड क्वेश्चन फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, उसका फर्स्ट समझा देंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि एक सॉलिड है, सॉलिड कैसा है, तो ए प्लस बी मिलके आपको सॉलिड बना रहा है, जिसमें ए हमारा कैटायन है और बी हमारा एनायन है। अब इसमें से ये जो सॉलिड है, ये सॉलिड कैसा होना चाहिए, तो ये होना चाहिए उसके स्ट्रक्चर के जैसा जैसा हमारा NaCl का स्ट्रक्चर है। ठीक, तो NaCl आप सबसे पहले देखो किस रेंज में आता है NaCl। अभी मैंने आपको एक टेबल में एग्जाम्पल भी लिखाया था, आप उसमें देख सकते हैं NaCl किस में आता है। ठीक, तो NaCl जो है वो आपका ऑक्टाहेड्रल रेंज में आएगा। अब आपको क्या करना है कि उस रेंज को यूज करना है और यहाँ से आर ए प्लस निकालना है। देखो मैं इसे टिक कर रहा हूँ, तो आर ए प्लस आपको निकाल के लेना है। ठीक, जिसका आंसर आपको इतना आना चाहिए अप्रोक्सीमेटली। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर आर ए प्लस का आर ए प्लस के जगह हम आर सी प्लस लगा दें और उसका रेडियस हम कर दें यहाँ पे 50 PM, तो उस केस में क्या सॉलिड बनेगा। तो अब उसके लिए आपको ये भी दे रखा है कि ये जो रेंज है टेट्राहेड्रल, ये रेंज हमको इस कंडीशन पे लगाना है। ठीक है, आपको कह रखा है कि कैन ए कैटायन सी प्लस Having radius 50 PM be fitted into the tetrahedral hole of the crystal A plus B minus। तो ये एक रेंज आपको लेना है यहाँ पे R C plus और R B minus आपको लेना है, और तब आपको देखना है कि ये टेट्राहेड्रल के रेंज में आ रहा है या नहीं। ठीक है, सिंपल सा एक कैलकुलेशन है बस। ठीक है, अगर टेट्राहेड्रल के रेंज में आता है तो इसका मतलब है कि सॉलिड का फॉर्मेशन होगा, अगर टेट्राहेड्रल के रेंज में नहीं आएगा तो सॉलिड का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर वन। अरे हाँ ठीक है प्रियांशु, जय सेकंड क्वेश्चन क्लियर हुआ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैंने गलती से हटा दिया उसे, तो फर्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपको दे रखा है आयनिक रेडियाई Mg2+ और O2-, मतलब एक सॉलिड है जिसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को लिया गया है। ठीक, अब कहता क्या है कि उनका रेडियस है, रेडियस क्या है, तो Mg का रेडियस 66 PM है और जो आपका ऑक्सीजन है उसका रेडियस दिया हुआ है 140 PM। तो इस जगह पे R प्लस जो है और R माइनस का हम एक ये निकालेंगे 66/140। ठीक, अब कहता क्या है, व्हाट टाइप ऑफ इंटरस्टिशियल वॉइड Mg2+ लाइकली टू ऑक्यूपाई। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे जो भी आंसर मिलेगा मुझे देखना है कि वो किस रेंज में बैठ रहा है, टेट्राहेड्रल रेंज में बैठ रहा है या ऑक्टाहेड्रल रेंज में बैठ रहा है। ठीक है, यहाँ जो भी वैल्यू आएगा हम उस रेंज से मैच करेंगे। फिर क्या कहता है, व्हाट इज द प्रोबेबल कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Mg2+ आयन, तो वो भी डिपेंड करेगा इस रेंज के ऊपर। मैंने आपको टेबल दिया है कि जो भी रेंज आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर उसके हिसाब से ही होना चाहिए। क्लियर है अभी जया, क्लियर हुआ अभी ठीक है।
ठीक है, चलिए मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ, और इसके बाद देखो अभी 2-3 दिन सिर्फ ये न्यूमेरिकल का ही क्लास चलेगा।